गाइस आई एम बैक. बिफोर हम आज का वीडियो शुरू करें गाइस, क्विक अपडेट. मैं बॉडी पावर, एज यू नो, मैंने आपके साथ शेयर भी करा है कि आई विल बी वन ऑफ द फिटनेस एक्सपर्ट फॉर बॉडी पावर 2016. ये एशिया का सबसे बड़ा फिटनेस एक्सपो होगा गाइस, वेयर आई विल गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट ऑल ऑफ यू. मैं आप सबसे मिलना चाहता हूँ गाइस, एंड आई विल बी ट्रैवलिंग 9 different cities, which includes your Mumbai, Bangalore, Goa, Hyderabad. No, actually, no, Hyderabad is not there. Ahmedabad, Lucknow, Jaipur. मैं इसकी पूरी itinerary यहाँ डालूंगा guys, और जब यहाँ होंगे venue के साथ. And I really, really looking forward to see you all. So please be there. मैं इसमें link भी डालूंगा जिसमें आप ticket खरीद सकते हैं guys. International athletes, Indian athletes, सारे लोग होंगे यहाँ पे guys, and you know it'll be so much fun. और obviously मैं vlogs तो करूँगा ही करूँगा, तो people who would not be able to come and they'll get an opportunity to see via these videos कि body power में क्या क्या हो रहा है. So moving on from body power, हम आज किस बारे में बात करेंगे guys? इस बारे में जितनी भी बात करी जाए कम है. मैं बात कर रहा हूँ आज six pack abs की. सिक्स पैक एब्स द गोल्ड स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस. मतलब जिसके एब्स नहीं है भाई, वो तो उसका तो जीना बेकार है, उसका तो वो तो टाइम वेस्ट कर रहा है बॉडी में, के बॉडी के साथ लेके. जिसको देखो सिक्स पैक चाहिए, जिसको देखो मुझे ऐसे एब्स चाहिए, मुझे वैसे एब्स चाहिए. मुझे मेल्स आते हैं कि सर मुझे बताओ कि मैं एब्स के लिए क्या करूँ. मैंने कहा भाई एब्स के अलावा भी देर समथिंग कॉल्ड चेस्ट, देर समथिंग कॉल्ड शोल्डर, देर समथिंग कॉल्ड लेग्स, देर इज बॉडी सिमेट्री. बट नहीं, हमें तो सिर्फ एब्स चाहिए. ओके गाइज, इन दिस वीडियो मैं आपसे कुछ ऐसी चीज़ें शेयर करूंगा ऐप्स को लेके जो आपको पता होनी चाहिए, बिकॉज मुझे पता है आप ऐप्स को लेके तो भाई आप YouTube को छान देते होगे. आप तो मतलब ऐसा कर देते होगे कि आपने एक वीडियो नहीं छोड़ा होगा उसको. लेकिन 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 उस वीडियो से आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा गाइस. मुझे याद है जब मैं भी ढूंढता था, तब YouTube थोड़ा नया नया था, तब इतने वीडियोज नहीं होते गाइस. इट यूज़ टू कन्फ्यूज मी. वो एक इंटरनेशनल एथलीट आ जाते थे एक इतनी चिजल बॉडीज लेके, और फिर वो कहते थे कि मेरा तो ये वर्कआउट होता है, मैं तो ये करता हूँ. गाइस BS man, don't follow all that. But मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि आप अपने पहले basics clear करो सिक्स पैक को लेके. Guys, I'm not saying सिक्स पैक is difficult to get. ये मुश्किल नहीं है ये. और remember, सिक्स पैक has a lot to do with your diet and genetics. बहुत क्लीशे होता है ये बातें, हम सबको पता है. लेकिन मैं इस वीडियो के थ्रू गाइज आपको आपके बेसिक्स क्लियर करना चाहता हूँ सिक्स पैक्स को लेके, ताकि आप दोबारा उन वीडियोस को देखो, आप कुछ भी करो सिक्स पैक से रिलेटेड, आपके लिए उस गोल को अचीव करना आसान हो जाए. ओके, फेयर इनफ, लेट्स स्टार्ट. सो नंबर वन गाइज, सो सिक्स पैक इज ऑब्वियसली इट्स अ मसल ग्रुप. अब लोग क्या करते हैं सिक्स पैक को लेके, वो इस मसल को रोज ट्रेन करते हैं. अब दिस इज गाइज, दिस इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग यू कैन डू. आपको कभी भी एक मसल ग्रुप रोज ट्रेन नहीं करनी चाहिए. और मैंने देखा आप अपनी बाइसेप को रोज ट्रेन करते हो, आप अपनी बैक को रोज ट्रेन करते हो. हाँ, कॉम्पिटिशन टाइम पे एक हफ्ता दस दिन पहले अगर आपको रिफाइन करना है तो वो बात अलग है. लेकिन आप रोज एब्स कर रहे हो वर्कआउट के बाद, रोज एब्स, रोज लेग रेजेस, रोज क्रंचेस, और आपकी लेयर फैट की लेयर है आपकी बॉडी पे, तो ऑब्वियसली वो एब्स तो ऑब्वियसली दिखने वाले नहीं है. वो दैट्स माय पॉइंट नंबर टू. बट फर्स्ट पॉइंट नंबर वन इज एब्स को रोज ट्रेन मत करिए गाइस. यू डोंट हैव टू ट्रेन योर एब्स एवरी डे. जस्ट लाइक आप अपने चेस्ट को रोज ट्रेन नहीं करते, अपनी बैक को रोज नहीं ट्रेन करते, एब्स को भी रोज ट्रेन मत करिए. उनको रेस्ट दीजिए, उनको रिकवर होने दीजिए. नहीं तो होगा क्या, आप एब्स कर करके उनको तोड़ दोगे. तोड़ दोगे मतलब है कि वो जो अगर आपका एब्स का साइज इतना मोटा था, वो इतना सा रह जाएगा, आप तोड़ दोगे उस मसल को. इट्स लाइक डूइंग बाइसेप एवरी डे. अगर आप बाइसेप रोज करोगे, वो खिलने की बजाय टूट जाएगा, श्रिंक कर जाएगा. सो डोंट डू दैट. नंबर टू, तो मैंने एक और चीज़ देखी है एब्स को लेके, लोग रेपिटेशंस बहुत मारते हैं. मतलब आप बैक की एक्सरसाइज कर रहे हो तो अच्छा मैं 8 से 12 करूंगा फॉर माय हाइपरट्रॉफी, बट एब्स को लेके मैं तो 25 करूंगा, 50 करूंगा. मैंने तो ऐसे ऐसे लोग देखे जो 100 150 200 करते हैं, बाद में कहते हैं अरे मैंने आज 1000 लेग रेजेस करे, मैंने आज 500 क्रंचेस करे. गाइस डोंट हैव टू. इसको आप एक दूसरे बॉडी पार्ट की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते? अगर आप बैक को या चेस्ट को हफ्ते में 2 दिन ट्रेन करते हो, तो एब्स को भी 2 बारी ट्रेन करें. अगर हाँ, अगर आपको दिल की तसल्ली देनी है तो 3 बारी कर लो यार, बट इससे ज़्यादा नहीं. डू नॉट डू इट. नंबर 3, रेपिटेशंस. अब उसी का बात लेके आती है रेपिटेशंस को लेके. आपको रेपिटेशन का जब एब्स को लेके आती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15-20 गाइस. अगर 15-20 आपको पता है, आप मसल एंड्योरेंस की रेंज में आ जाते हो. आप रिमेंबर, जस्ट रिमेंबर, आप जितने मर्जी एब्स कर लो, दैट टेक्स मी टू पॉइंट नंबर 4.
जितने मर्जी एब्स कर लो, अगर आपका बॉडी फैट 10-11% में नहीं है तो आपको एब्स नहीं दिखेंगे। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन फिर भी हम फैट लॉस के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे ट्रेनर साहब हमारे को क्रंचेस के लिए बोलते हैं, अच्छा भाई चलो भाई क्रंचेस करो, लेग रेजेस करो। अगर आपकी इतनी मोटी स्किन है, फैट की स्किन है आपके पेट के ऊपर, आपकी बेली के ऊपर, हाउ विल यू लूज दैट फैट? आपको लगता है कि आप लेग रेजेस कर क्रंचेस करोगे, 1000 क्रंचेस करोगे और वो अपने आप मेल्ट हो जाएगा? दैट्स कॉल्ड स्पॉट रिडक्शन। और स्पॉट रिडक्शन को लेकर तो आपने 1000 वीडियोज़ देखे होंगे, एंड दिस वीडियो इज़ नॉट अबाउट स्पॉट रिडक्शन। कि स्पॉट रिडक्शन देर इज़ नो सच थिंग एज दैट, कि आपको सिर्फ पेट से एब्स दिखाने के लिए आपका पेट कम हो जाएगा अगर आप क्रंचेस करोगे तो। सो स्टॉप डूइंग क्रंचेस। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर आपका फैट है तो आप क्रंचेस मत करिए। हाँ, आप क्रंचेस कर सकते हो, आपको क्रंचेस या लेग रेजेस से आपका कोर स्ट्रांग हो जाएगा, लेकिन अगर आपका बॉडी फैट 10-11% नहीं है तो एब्स नहीं दिखेंगे। हाँ, आप वो हार्ड होता जाएगा वो एरिया, लेकिन एब्स नहीं दिखेंगे। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी भाई, पहले आप अपने बॉडी फैट कम करो, दूसरा आप उसकी रेप रेंज 15-20 ही रखो ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको प्रोज ना करो। ये तो बेसिक्स हैं, बेसिक्स। अब बात करते हैं थोड़ी सी ऊपर जाके। अच्छा भैया, मैंने आपको, अब आपको बेसिक्स पता लगे, अब क्या करा जाए आपको लेके गाइस? ऐप्स को कभी भी आप हिट करें ना गाइस, उसको हर तरीके से हिट करिए। जैसे आपने मंडे, अगर आपका स्केड्यूल है, आप सबसे बेस्ट तरीका ऐप्स करने का जो मेरे लिए काम करा है, जो मैंने कई लोगों पे करा है, उन पे भी काम करा है, और जो फिटनेस एथलीट्स ये सब भी काम करते हैं, ये एम्प्टी स्टमक करते हैं सुबह सुबह। विच मीन्स कार्डियो से पहले ऐब्स करिए गाइस, बिकॉज ऐब्स इज़ जस्ट लाइक योर अनदर बॉडी पार्ट। इट्स लाइक दिस, अगर मैं आपको चेस्ट करने को कहूँ, पहले कहूँगा अच्छा पहले आप 1/2 घंटा आप कार्डियो कर लो, कार्डियो के बाद आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करिएगा, पंप नहीं आएगा ना। इट्स लाइक यू नो यू वेस्टेड हाफ ऑफ योर एनर्जी व्हाइल डूइंग कार्डियो। और कार्डियो में तो हमारे यहाँ पे तो सारे कार्डियो का मतलब भागना ही समझते हैं, वो भाई 1/2 घंटा भागते रहेंगे मसल तोड़ देंगे। नो, व्हेन आई से कार्डियो आई मीन साइकिलिंग, यू नो, या थोड़ा चलना, ब्रिस्क वॉकिंग, दैट्स अबाउट इट। तो सबसे पहले आप सुबह उठ के एम्प्टी स्टमक एब्स करिए। एब्स तब करिए अबाउट यू नो 6 सेट्स, 4-6 सेट्स ऑफ लेग रेजेस, 4-6 सेट्स ऑफ क्रंचेस, 4-6 सेट्स ऑफ साइड ओब्लिक्स, ये वो बेसिक्स। ये मत सोचिए कि आप एकदम से आपने करना शुरू किया और आपके एब्स आ जाएंगे। एब्स ऐसे नहीं आएंगे गाइस, यू हैव टू बी पेशेंट इसको। और आपने ये बात तो सुनी होगी, मैं आपको बार बार रिपीट करूँगा, आई एम स्टेटिंग द ऑब्वियस, एब्स आर मेड इन द किचन। आपने कई आपके ऐसे आर्टिकल्स देखे होंगे, इट्स ट्रू, एब्स आर मेड इन द किचन, लेकिन ट्रेनिंग में भी आपको उतना ही बड़ा आउटपुट देना पड़ेगा। एब्स कर लिए आपने सुबह, उसके बाद आपने 20 मिनट से लेके 1/2 घंटे तक आपने अपनी कार्डियो सेशन भी कर लिया तो परफेक्ट हो गया। अगर आपके पास टाइम है तो आप शाम को भी ट्रेनिंग कर सकते हैं, अगर आप कंपेरेटिव एथलीट हैं, अगर आपको वो 6-pack बॉडी से, अगर आप रेगुलर गाय, यू नो, हुज़ गोइंग टू कॉलेज और वर्किंग प्रोफेशनल, आप मंडे को एब्स और कार्डियो करो, ट्यूसडे को आप वेट ट्रेनिंग करो, वेंसडे को अगेन सेम थिंग, एंड यू रिपीटेड 4-5 डेज अ वीक, बूम, यू डन। तो ये तो बात होगी वर्कआउट की। अगर आपको डाइट की बात करते हैं, अगर एब्स के लिए कोई स्पेशल डाइट होती है, नहीं, कोई स्पेशल डाइट नहीं होती। और आपने सुना होगा कि एब्स को लेके बॉयल डाइट, हाँ, एब्स को लेके मैंने काफ़ी वीडियोज़ भी करे हैं गाइज, कि आप 12 महीने ऐप्स को मेंटेन नहीं कर सकते गाइस। प्लीज़ नोट दिस, ये बात मैंने पहले भी कही है, मैं बात आपको अभी भी कह रहा हूँ, आप ऐप्स को मेंटेन नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपके जेनेटिक्स अच्छे हैं, कई लोग ऐसे भी हैं जो मेंटेन कर लेते हैं, आपके ऐसे दोस्त भी होंगे जो मेंटेन करेंगे, लेकिन हाँ, आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। आपको बोल रहे हैं मैं कुछ नहीं हूँ, मैं नेचुरल हूँ, बट आपको नहीं पता वो क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, बट रिमेंबर दैट फोटोशूट बॉडीज़ आर डिफरेंट, कि वो एक आपको फोटो दिख रही है उनकी, आपका वीडियो दिख रहा है जो यूट्यूब पर आपको बड़े बड़े इंटरनेशनल मॉडल्स दिखेंगे, वो एक पर्टिकुलर वीडियो के लिए कर रहे हैं गाइस, बट रेस्ट उनकी बॉडी बहुत बहुत नॉर्मल है। सो रिमेंबर दैट, इसकी कोई स्पेशल डाइट नहीं है। इसकी स्पेशल डाइट सिर्फ यही होगी गाइस, आपको अपना मीठा तला हुआ ये सब ऑब्वियसली आपको कम करना होगा, यू हैव टू ऑन अ हाई प्रोटीन डाइट। बहुत क्लीशे है ये चीज़, आपको ऑलरेडी पता है, मैं आपको कुछ ऐसा नहीं बताऊँगा जो आपको नहीं पता। मूविंग ऑन, और आप एक चीज़ और नोट करिए ऐप्स को लेकर, सबके एब्स अलग अलग टाइप के होते हैं, सब किसी के 4-pack होते हैं। जैसे अर्नोल्ड है, उसका 4-pack होते थे, और यू नो ही हैड वन ऑफ द मोस्ट एस्थेटिक बॉडीज, यू नो, इन द बॉडी बिल्डिंग, और इन द बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री आज भी उस बॉडी को बहुत एस्थेटिक माना जाता है। आज तो लोग क्या करते हैं, 8-packs, 10-packs, ये तो यार सब जेनेटिक्स हैं गाइस। कईयों के 8-packs होते हैं, कईयों के 4-packs होते हैं, कईयों के 6-packs होते हैं, कईयों के 2-packs होते हैं, बट दैट डजंट मीन
आप अपनी जेनेटिक्स के अगेंस्ट जाके नहीं, मैं दो को तो चार कर दूंगा, अगर आपके नहीं है तो आप नहीं कर सकते गाइस, एक्सेप्ट इट। दूसरी चीज इसी जेनेटिक्स को लेके, कईयों के एब्स बहुत थिक होते हैं और कईयों के एब्स बहुत पतले पतले होते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे अगर आप विद्युत जम्वाल को देखो, विद्युत जम्वाल की जो जो एब्स हैं वो बहुत थिक हैं, आपको दिखेंगे सारे एब्स दिखेंगे, वैसे शाहरुख खान के बहुत पतले पतले से एब्स हैं जब वो बनाते हैं, तो दोनों में बॉडी टाइप का डिफरेंस है। अगर आप जॉन के देखेंगे, जॉन के भी सिर्फ फोर पैक्स ही दिखते हैं छोटे छोटे, तो हर एक की अपनी बॉडी टाइप है, हर एक का अपना एक स्ट्रक्चर है। डोंट गो अगेंस्ट दैट स्ट्रक्चर एंड एक्सेप्ट इट। अब फोर पैक का मतलब क्या है कि उनके बॉडी ख़राब है? नहीं, इट्स जस्ट द बॉडी, कि अगर उनकी बॉडी अलाउ नहीं करती, सिक्स पैक अगर है ही नहीं तो नहीं बनेंगे ना गाइस। सो एक्सेप्ट दैट जेनेटिक अबाउट यू, अब एक्सेप्ट योर बॉडी जेनेटिक्स, कि मेरे यही जेनेटिक्स हैं और मुझे उसी के अंदर काम करना है। अब आपको पता कैसे लगेगा कि आपके कितने जेनेटिक्स, आपको तभी पता लगेगा कि अगर आप फुल फ्लेज्ड यू गन फॉर योर एब्स। अब आप एब्स के लिए करोगे, अब तो बात हो गई, अब बात करते हैं आपकी ट्रेनिंग रेजिमेंट के लिए, कि आपने ट्रेनिंग, अब आपने मंडे वेंसडे फ्राइडे ट्रेनिंग कर ली, आपने क्लीन फूड खाया और आपके एब्स आ गए। नाउ गाइस, द टफेस्ट पार्ट अबाउट बेसिक्स ऑफ एब्स इज मेंटेनिंग एब्स। मैं इतने लड़कों को जानता हूँ गाइस, वो इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ करते हैं और एब्स आ भी जाते हैं उनके, लेकिन वो मेंटेन नहीं कर पाते। क्यों? बिकॉज मेंटेन करने के लिए आपको वही डाइट 12 महीने खानी होती है, वही डाइट आपको सब कुछ, और कभी कभी हमारे आप कंट्रोल नहीं रहता गाइस, तो ऑब्वियसली यू नो इट बिकम्स डिफिकल्ट। फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि नहीं हमें तो कभी भी आप चाहिए होंगे, हम कर लेंगे। गाइस रिमेंबर, मेंटेनिंग योर बॉडी इज़ वन ऑफ द टफेस्ट चैलेंजेस, गेटिंग द एब्स इज द इजिएस्ट दीज डेज। आपको पता ही आपको क्या करना है, और मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ जो आपको ऑलरेडी शायद पता भी हो, लेकिन मैं आपके सिर्फ बेसिक्स क्लियर कर रहा हूँ। और रिमेंबर, अगर आप एब्स बार बार करेंगे, रोज करेंगे, आप अपनी मसल को तोड़ रहे हैं। जो आपका मसल का साइज अगर इतना है, आप उसको इतना कर लेंगे। और जैसे रिमेंबर, एब्स तो मोटे मोटे अच्छे लगते हैं, पतले पतले एब्स बिल्कुल अच्छे लगेंगे गाइस। दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ट्रेन एब्स साइंटिफिकली, एंड ये नहीं कि मैं रोज एब्स करूँगा वर्कआउट के बाद, जैसे आपको लोग बताते हैं, ट्रेनर्स बताते हैं गाइस। सो बी मोर साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल अबाउट इट। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प्स यू, एंड आई होप आप इन चीज़ों को इम्बाइब करो और अपनी ट्रेनिंग रेजिमेन में इसको थोड़ा सा इंक्लूड करने की कोशिश करो। आप देखेंगे, अगर आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, थोड़ा सा धैर्य रखेंगे, ट्रस्ट मी यू विल गेट दोज एब्स, एंड यू विल गेट दोज एब्स इन अ गुड वे। रिमेंबर, अगर कोई चीज़ जल्दी से आती है तो वो जल्दी से जाती भी है, अगर आप उसके लिए मेहनत करेंगे तो अगर जितनी देर से आएगी उतनी देर तक वो टिकेगी भी गाइस, ट्राइड एंड टेस्ट। मैं जब साइकिल पे भी था, एंड यू नो एंड आई हैव शेयर्ड दैट विद यू, तब मैंने देखा था कि चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती थी, लेकिन मैं मेंटेन नहीं कर पाता था। You know, now that I'm natural, you know, I try to do as much natural stuff as I can. चीज़ें थोड़ी सी देर लगती है, लेकिन जब वो आती हैं तो guys, it stays with me. So that's exactly what I'm going to tell you guys. You know, मेहनत करें और ट्रेनिंग का शॉर्टकट ना देखें guys. You know, treat your abs just like any other body part. उसको ये ना सोचे because वो छोटा है, मैं उसको रोज ट्रेन करूँगा, मैं उसको ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, नहीं। Just like your back, just like your chest, and you'll see a hell lot of difference on your abs. Trust me guys, try it and test it. So anyone of you have any questions, feel free to reach out. Thoda sa time lagunga jawab dene, because I get many questions and many emails from all of you, lekin I will definitely get back. And also guys, my body power 2016 ka description box link dunga. Anybody you who wants to meet me and all the other athletes, feel free to drop by. Main ka pura calendar dalunga. Aiye, let's talk and have fun. So as I always say, until we meet again, peace.